क्या उम्र है उनकी? 10 साल की है। 10 साल की बच्ची हमारी जी। उसके सर में दर्द हुआ जी। तो उसको हमने टैबलेट मंगाई, टैबलेट लेने गई तो उसको टैबलेट दे दिए। टैबलेट देने के बाद तो अंदर गैली है ना, गैली में हाथ पकड़ के ले गई। पहले बच्ची बुलाया, बच्ची बेटी यहाँ बात सुनो, बच्ची पर अंदर खींच के ले गए अंदर कमरे के अंदर। तो बच्ची को ले आके उन्होंने हाथ फेरा सर पे, बेटे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, क्या करती हो तुम, क्या करती हो? उन्हें अंकल मेरे को जाने दो अंदर, कागज़ पकड़ के खींच के ले रहा तुम कागज अंकल। तो पकड़ के जबरदस्ती मेरी बच्ची साथ बदतमीजी करी उन्होंने, बदतमीजी करी बच्ची संग में, उसकी किस वगैरह करी बच्ची के संग में। बच्ची कैसे चढ़ा के रोती पीटती घर आ गई भाग के। हम गए आपको, हम जब उसकी बच्ची का रो रही बता नहीं रही, माँ को नहीं बताए। फिर मैंने उसको चिल्लाया, मैंने बेटी ना क्या बात है, बात बता क्या बात, क्यों रो रही तुम? वो ऐसे बात अंकल हमारे संग ऐसे बोले ऐसे करे। तो मैं गया तो मेरे को धमकी दे रहे वो, अरे भैरिया तुम ईपीओ को भैरिया तुम, हाँ इल्ज़ाम लगा रहे तुम, मेरे को इल्ज़ाम लगा रहे और तुम्हें रहना नहीं है क्या? मैंने सर मैंने आप जो बताया पहले बदतमीज़ कर रहे बच्ची से तुम, नाम तो अकील अहमद। तो वो धमकी दे रहे, फिर अम्मा पहुँची, मेरी वाइफ को उल्टी सीधी बोले, मेरी वाइफ उल्टी सी बच्ची अंदर है ना जी, अफार हो गई हैं, अफार हो गए हाँ बच्चे अंदर लिए, हाँ कमरे लिख रहे हैं। क्या बोले सर्कल साहब? अब देखो वो कर रहे हैं अंदर लिखाई हो रही है, बोले आप टेंशन ना करो तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। अच्छा हाँ इंसाफ होगा तुम्हारे साथ में। वाले कहाँ के जी? हम यूपी के हैं। नहीं यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? ये फील खाने में जी। क्या टाइम पे हुआ बच्ची के साथ? ये 4:30 बजे जी, 4:30 हाँ जी, 4:30 कब से कब तक होती है डेली? क्या मतलब स्कूल के टाइमिंग? आज संडे है ना, आज संडे है जी। अब बच्ची हाँ 4:45 का टाइम है। तो आज संडे होने के बाद फिर बच्ची स्कूल क्यों गई? नहीं बच्ची नहीं, दवा मंगाई टैबलेट मेडिकल वाला पूछ रहा वो चीज़ वो मेडिकल है ना, वो बच्चा बैठ हुआ था तो बच्चे ने उसको टैबलेट दी, इन्हें टैबलेट दी, 5 टैबलेट निकल के आए, उसके हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा वो बेटी यहाँ अंदर, हाथ पकड़ के ले गए, हाथ पकड़ ले आके अंदर ले गए अंदर। बच्ची चिल्लाती रही और ले गए तो गली सन्नाटा रहता है, गली गंदा अंधेरा रहता है। तो ये बच्ची के साथ पहली बार पकड़े बच्चे का हाथ या इससे पहले भी? नहीं नहीं भाई, आप पहली बार ही पकड़े थे, लेकिन वो हाथ पेटते रहे, बेटा तुम कहाँ पढ़ती हो, कहाँ रहती हो, ये करती हो, पूछते थे हाथ खाली वो, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं थी। आज उन्होंने हरकत करी है। अच्छा बच्ची अगर रो रही है अपनी माँ से, हम भी बैठ गए थे जब वो बताया नहीं, माँ को रो रही रो लगी, मैंने बेटा क्या बात हो गई उसको, मैं चिल्ला आई बच्ची ऐसे पापा ऐसे बात। आप क्या करना चाह रहे हो वो बोलिए? हम तो ये जा रहे हैं इंसाफ मिल चाहिए हमें। क्या पुलिस से क्या इंसाफ हमें? अस्सलाम वालेकुम। एक अफसोसनाक हादसा हुआ है यहाँ पर, हम पुलिस स्टेशन को आए हुए बेगम बाजार पीएस को, अभी उन्हें मिला नहीं, अकेले में एक बच्चे के साथ गैर जिम्मेदाराना काम करा उन्हें, और उसके बारे में पीएस को आए, पीएस में क्या होता उसके बाद मैं आप सबसे मुखाफत हूँ। क्या हुआ बच्चे के साथ? बच्चे के साथ गैर जिम्मेदाराना काम करा उन्हें। किस वजह से हुआ, कहाँ पे? मेडिकल वाले HKGN पर, मेडिकल HKGN हाँ, उसका ओनर है अकेले अहमद बल्कि जी हाँ, उन्हें क्या उन्होंने बच्ची को गोद में उठा के ऐसा करे, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, गलत चीज़ करे, बच्ची भी आई यहाँ पर। अच्छा और उसके बाद में अपन जो भी है देखेंगे, हम पीएस में तो आए भी, अगर पीएस वाले एक्शन लिए ठीक है, नहीं तो साहब करने ज़रूरत पड़े तो कमिश्नर साहब कहीं जाएंगे, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जाएंगे, क्योंकि बाहर के बच्चे बाहर वाले ऐसा सौदा लेने आएंगे, पूरे मीडिया वालों सामने मैं बोल रहा हूँ। अब होने के बाद में जो भी है वो करेंगे, हमारे को मीडिया का तावन चाहिए भाई, और मीडिया के ज़रिए साहब तक बात जाना चाहिए, CM साहब तक, ये हमारी ख्वाहिश है।